92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं संकेत शर्मा की लिखी कहानी गोरखलाल जी का इंतकाम बिना किसी एड ब्रेक के। याद शहर की बड़ी गली में आज जश्न का माहौल था क्योंकि आज याद शहर में वो आ रहे थे। पूरे 21 दिन बाद वो याद शहर लौट रहे थे। याद शहर की बड़ी गली में उनका ठीक ठाक घर था। वैसे तो वो एक इज्जतदार इंसान थे और वो का इज्जतदार नाम भी था श्रीमान गोरखलाल। लेकिन क्योंकि आज गोरखलाल जी पूरे 21 दिन बाद अमेरिका से लौट रहे थे इसलिए गोरखलाल जी वो बन गए थे। पूरी बड़ी गली में उनकी बातें हो रही थी कि पता है आज वो आ रहे हैं अमेरिका से। यहां तक कि बड़ी गली की महिलाएं भी आपस में कह रही थी, सुना बहन आज वो आ रहे हैं। महिलाओं के इस रवैये से उनके पति नाराज थे कि उनकी पत्नियां किसी पराये पुरुष को वो कह के क्यों संबोधित कर रही हैं। अरे आ गई गोरखलाल जी की गाड़ी, दूर गली के कोने में कोई टैक्सी देख के चिल्लाया। गोरखलाल जी कोई अपने पैसे खर्चा करके अमेरिका नहीं गए थे और ना ही किसी प्रतियोगिता में उनका अमेरिका का ट्रिप निकला था। गोरखलाल जी तो तुक्के से अमेरिका गए थे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, तुक्के से अमेरिका। जिस तरह आप कई बार तुक्के से गणित में अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं, जिस तरह तुक्के से आपको अपने से समझदार प्रेमी या प्रेमिका मिल जाती है, जिस तरह तुक्के से आपको सब्जी के साथ हरी मिर्चें मुफ्त मिल जाती हैं, बस वैसे ही गोरखलाल जी का भी अमेरिका का तुक्का लगा था। हुआ यह था कि जिस चप्पल बनाने वाली कंपनी में 55 साल के गोरखलाल जी पिछले 20 सालों से काम करते हैं, उस कंपनी का एक अमेरिकन कंपनी से बिजनेस समझौता हुआ था कच्चा माल लेने का। कुछ कागजी काम और एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए किसी को अमेरिका जाना था। बड़े साहब ने 4 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट किया जिनमें दूर दूर तक गोरखलाल जी का नाम नहीं था। लेकिन जब ऊपर वाला मेहरबान तो गोरखलाल जी भी पहलवान। इत्तफाक की हद देखिए कि चारों में से किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं था और दूसरी तरफ गोरखलाल जी के पिताजी ने गोरखलाल जी के पहचान पत्र के रूप में न जाने कब भूले से उनका पासपोर्ट बनवा दिया था। बस पिताजी की इसी समझदारी वाले काम की वजह से गोरखलाल जी का तुक्का लग गया था। अरे लीजिए, बातों बातों में गोरखलाल जी की टैक्सी घर तक आ गई है। टैक्सी को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया जैसे नई नई दुल्हन उसमें बैठी हो। टैक्सी के अंदर बैठे गोरखलाल जी भी नई नवेली दुल्हन की तरह ही बर्ताव कर रहे थे क्योंकि 2-3 मिनट हो गए थे टैक्सी रुके पर गोरखलाल जी अब तक उतर ही नहीं रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो शुभ घड़ी आ गई जो सूर्य ग्रहण की तरह सालों में एक आध बार आती है। टैक्सी का दरवाजा खुला। सबसे पहले दरवाजे से गोरखलाल जी का सर बाहर निकला। अमूमन उतरते वक्त लोगों के पैर पहले बाहर निकलते हैं लेकिन गोरखलाल जी ने सर पे एक हैट पहन रखा था जो शायद उन्होंने अमेरिका से खरीदा था और वो सबसे पहले दिखाना चाहते होंगे, इसलिए गोरखलाल जी ने अपना सर पहले निकाला। बस सर निकलने के बाद तो टैक्सी से बाकी शरीर भी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया। 1.5-2 मिनट बाद जब अदा दिखा के गोरखलाल जी पूरी तरह बाहर निकले तो वहीं खड़े गोरखलाल जी के पड़ोसी सुभाष सिंह बोल पड़े, अरे क्या हाल है अमरीका के। गोरखलाल जी अमेरिका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सके और पलट के बोले, सुभाष अमरीका नहीं अमेरिका, अमेरिका समझे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम। गोरखलाल जी को अमेरिका से याद शहर लौटे पूरे 2 घंटे हो गए थे। घर के अंदर काफी भीड़ लगी थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन अपना है कौन पड़ोस का। सब गोरखलाल जी से पूछ रहे थे कि अमेरिका कैसा है। महिलाएं जानना चाहती थीं कि क्या वाकई वहां की महिलाएं उतनी फॉरवर्ड है और पुरुष जानना चाहते थे कि क्या वाकई वहां लोग सड़क पे एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं। गोरखलाल जी पूरी अमेरिकी अकड़ के साथ हर बात का जवाब दे रहे थे। कैमरा खोल खोल के सबको तस्वीरें दिखा रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने 3 दिन सिर्फ बर्गर और कोल्ड कॉफी का सेवन किया। गोरखलाल जी का घर मंदिर बन गया था। कुछ श्रद्धालु अंदर दर्शन कर रहे थे और बाकी श्रद्धालु बाहर भीड़ लगा के खड़े थे। श्रद्धालुओं की बाहर खड़ी भीड़ में सुभाष सिंह भी खड़े थे, वही सुभाष सिंह जिनकी बाहर गोरखलाल ने हल्की से बेइज्जती करके अमेरिका और अमेरिका में फर्क बताया था। दरअसल सुभाष सिंह गोरखलाल के दुश्मनी वाले दोस्त थे। दुश्मनी वाला दोस्त वो होता है जिससे आपको संतुलित मात्रा में दोस्ती भी रखनी पड़ती है और झगड़ा भी करना पड़ता है।
अगर सरल शब्दों में आपको दुश्मनी वाला दोस्त समझाऊं तो जैसे पत्नी, इतने साल हो गए और तुमको ढंग का खाना बनाना भी नहीं आया। ये बात आप उसी पत्नी को बोलते हैं जिसको संडे की दोपहर आप कहते हैं, यार तुमसे बढ़िया राजमा कोई बना ही नहीं सकता। बस गोरखलाल और सुभाष सिंह का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। दोनों सुबह चवन्नी जितनी बात पे लड़ते और शाम को 3 रुपए की चाय पे ठहाका लगाते। लेकिन 25 अगस्त 2011 दिन शनिवार समय शाम के 5:22:56 पे जो बेइज्जती से ओत प्रोत घटना या कह लीजिए दुर्घटना गोरखलाल जी के साथ हुई, उसकी टीस अभी भी गोरखलाल जी के दिल में थी। हुआ ये कि गोरखलाल जी स्टेशनरी की दुकान पे पेन खरीद रहे थे कि वहां पहले से मौजूद टुन्नू बेइज्जती करने के इरादे से बोला, अरे अंकल आपको पेन क्या करना, आप कौन सा ऑफिस में काम करते हो, सारा दिन गप्पे तो मारते हो। यहाँ पर यह बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि गोरखलाल जी को सार्वजनिक स्थल पे शर्म से पानी पानी कर देने वाला ये टुन्नू का बच्चा असल में उनके दुश्मनी वाले दोस्त सुभाष सिंह का बच्चा था। गोरखलाल जी ने फैसला किया कि इस अपमान का कड़वा घूंट वो यूं ही नहीं पियेंगे। उनको लगता था कि उनकी इस बेइज्जती के पीछे सुभाष सिंह का हाथ है, वरना टुन्नू जैसे मूर्ख लड़के को इतनी बड़ी बात बोलने की समझ कहां से आई। सुभाष सिंह ने टुन्नू के जरिए उनकी बेइज्जती की थी और अब गोरखलाल जी टुन्नू के ही जरिए सुभाष सिंह की बेइज्जती करके अपने अपमान का बदला लेने वाले थे। और इस बदले के लिए वो एक इम्पोर्टेड तोहफा भी ले आए थे, अमरीका से खरीदा हुआ खास बदला लेने वाला हथियार। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम। बदले की भावना लिए गोरखलाल जी सही मौके की ताक में थे। दूसरी तरफ टुन्नू इस बात से अनजान था कि वो आने वाले समय में एक बड़े युद्ध का जरिया बनने वाला है। दरअसल टुन्नू उन भाग्यशाली लोगों में से था जिनके बारे में सभी लोग कोई न कोई दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे टुन्नू का अपने बारे में दृष्टिकोण था कि वो गलत घर में पैदा हो गया है। टुन्नू के पिताजी का टुन्नू के प्रति दृष्टिकोण था जो उन्होंने आज तक किसी को बताया नहीं था, कि टुन्नू सफेद कमीज पर गिरा चाय का वो दाग है जो दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर लगाने से भी नहीं मिटेगा। हर माँ की तरह टुन्नू की माँ को भी यही लगता था कि उनका टुन्नू राजा बेटा है। लेकिन बाहर वालों का टुन्नू के बारे में एक ही मत था कि अगर प्रकृति से कभी कोई भूल चूक हुई थी तो उसका परिणाम टुन्नू था। बाहर वाले भी पूरी तरह गलत नहीं थे। टुन्नू की समस्या ये थी कि उसने बीए किया था। उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि बीए के बाद उसने एमए भी कर लिया था। तो अब समस्या ये थी कि अब और क्या किया जाए। वैसे तो बीए एमए करना बहुत फखर की बात है, लेकिन टुन्नू की तरह बिना सोचे विचारे करना अच्छी बात नहीं है। एमए करने के 1 साल बाद तक मानसिक शांति के नाम पर टुन्नू ने कुछ नहीं किया। उसके बाद कुछ करो वाला सामाजिक दबाव बढ़ने लगा तो टुन्नू ने भिन्न भिन्न नौकरियों के फॉर्म भरने शुरू कर दिए। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, रेलवे, डाक विभाग, बैंक, बीमा, पुलिस, आईएएस, शायद ही कोई विभाग बचा होगा जिसका फॉर्म टुन्नू ने नहीं भरा होगा। हद तो उस दिन हो गई जब बेचारा अनजान टुन्नू डाकघर से पासपोर्ट का फॉर्म तक लाके भरने लगा। टुन्नू के फॉर्म भरने की इसी आदत ने उसको याद शहर की बड़ी गली में बच्चों का हीरो बना दिया था। सब बच्चे अपने अपने स्कूल में इतराते हुए कहते, तुम जानते हो मैं याद शहर की उस बड़ी गली में रहता हूँ जहाँ टुन्नू भैया रहते हैं। अरे वही टुन्नू भैया जो आंखें बंद करके फॉर्म में छोटे छोटे बक्सों में अपना नाम लिख लेते हैं। नौकरी मिले ना मिले, लेकिन टुन्नू को फॉर्म भरने से बड़ा फायदा होने लगा। कोई पूछता, आजकल क्या कर रहे हो टुन्नू बेटा, तो टुन्नू पूरे आत्मविश्वास से कहता, जी फलाना फॉर्म भर रखा है, अगले महीने एंट्रेंस टेस्ट है, 3rd महीने इंटरव्यू और बस 4th महीने सिलेक्शन हो जाएगी आपके टुन्नू की। अब जिस टुन्नू से किस्मत ही बदला ले रही थी, उसी किस्मत के निर्धन टुन्नू से गोरखलाल जी भी बदला लेने वाले थे, वो भी अमेरिकन स्टाइल में। गोरखलाल जी को अमेरिका से लौटे 3 दिन हो गए थे, पर अभी तक उन्हें बदला लेने का सही वक्त नहीं मिल पाया था। एक तो ये टेंशन थी और दूसरी टेंशन दफ्तर में थी। वो जो छोटी सी ट्रेनिंग अमेरिका में सीख के आए थे वही उनको यहाँ बाकी दफ्तर वालों को सिखानी थी। लेकिन हकीकत तो आप जानते हैं कि गोरखलाल जी को इसीलिए अमेरिका भेजा गया था क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास पासपोर्ट था। अरे उनको तो अभी तक ये याद भी नहीं आ रहा था कि अमेरिका में बिताए गए इतने दिनों में से कौन से दिन उनको ट्रेनिंग सिखाई गई थी। आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। लेकिन बहुत जल्दी वो दिन आ गया जब गोरखलाल जी अपना बदला ले सकते थे। आने वाले शनिवार को टुन्नू का जन्मदिन पड़ रहा था और उसकी माता जी ने खुद गोरखलाल जी के घर आके उनको सपरिवार आने का न्योता दिया था। बदला लेने वाले को और क्या चाहिए, मौका। और यही मौका उनको खुद टुन्नू की माता जी न्योते के रूप में दे गई थी। शनिवार की शाम आ गई थी और गोरखलाल जी ने अपने सूटकेस से वो तोहफा यानी कि बदले का हथियार निकाल के उसको फूल पत्ती लगे एक रंगीन कागज में गिफ्ट बना के लपेट लिया। सूट बूट पहनकर गोरखलाल जी तैयार हो गए थे और रात का खाना नहीं बनाना पड़ेगा ये सोच के उनकी पत्नी भी जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी। दोनों टुन्नू के घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंच के सुभाष सिंह ने गोरखलाल जी और उनकी पत्नी का स्वागत किया। अरे सुभाष, टुन्नू कहाँ है? गोरखलाल जी ने जरा आत्मीयता से पूछा। टुन्नू दूसरे कमरे में अपने आवारा दोस्तों के साथ ये जिक्र कर रहा था कि अगले हफ्ते किस किस सरकारी विभाग के फॉर्म निकलने वाले हैं। अरे टुन्नू इधर तो आ, सुभाष सिंह जी आवाज मारते हुए बोले। टुन्नू अपने दो तीन दोस्तों के साथ बाहर आ गया। बस यही तो मौका था जिसके लिए गोरखलाल जी माला जप रहे थे। टुन्नू था, उसके माँ बाप थे और होने वाली बेइज्जती के चश्मदीद गवाह के रूप में काफी मेहमान भी थे। गोरखलाल जी ने अपनी जेब में हाथ डाला, गिफ्ट निकाला और ऊपर नीचे के 26 दांतों को भींचा और बोले, हैप्पी बर्थडे टुन्नू बेटा। टुन्नू गिफ्ट को देखने लगा। अरे खोल के देखो टुन्नू बेटा, क्या दिया है गोरखलाल अंकल ने, सुभाष सिंह जी बोले। टुन्नू बड़े प्यार से गिफ्ट रैप को फाड़ने लगा। उसकी खुलती हुई हर परत के साथ गोरखलाल जी की धड़कनें बढ़ रही थी। वो सब याद करके आए थे कि किसे क्या कितना बोलना है। आज उन्हें चुन चुन के बेइज्जती करनी थी। गिफ्ट रैप खुला और उसमें से निकला एक पेन, एक इम्पोर्टेड अमेरिकी पेन। यहां मैं आपको याद दिलाना अपना फर्ज समझता हूं कि टुन्नू ने गोरखलाल जी को स्टेशनरी की दुकान पे पेन खरीदते हुए ही बेइज्जत किया था। जैसे होली पे आपको कोई पानी का गुब्बारा मारे और उसका जवाब आप पानी के गुब्बारे से ही देना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही गोरखलाल जी ने पेन का जवाब पेन से देना पसंद किया। टुन्नू पेन को देख ही रहा था कि गोरखलाल जी बोल पड़े, अरे टुन्नू बेटा, तेरे जन्मदिन के लिए पूरे $20 का पेन लाया था मैं अमेरिका से। इस वाक्य में उन्होंने $20 और अमेरिका पे खास जोर दिया था। फिर वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तेरे पिता की इतनी हिम्मत कहाँ कि तुझको वो इतना महंगा पेन दिलवाए। इस वाक्य में उन्होंने पूरे वाक्य पे ही जोर दिया। गोरखलाल की बात का 1% भी बुरा माने बिना सुभाष सिंह जी पेन की तारीफ करने लग गए। पासा उल्टा पड़ गया था। सुभाष सिंह जी बिना बुरा माने, बिना मुंह बनाए, बिना चिढ़े पेन की तारीफ कैसे कर सकते थे। गोरखलाल जी ने बेइज्जती रिपीट की, पर इस बार भी उनका हथियार बेअसर गया और सुभाष सिंह जी हंसी में बात टाल गए। हो सकता था सुभाष सिंह जी को अंदर बुरा लगा हो, पर इस बात का प्रमाण किसी भी तरह से भाव के रूप में उनके चेहरे पे नहीं आया था। बाकी सब लोग तो केक खा रहे थे, लेकिन गोरखलाल जी केक निगल रहे थे। केक का हर टुकड़ा उनको अपनी हार का स्वाद चखा रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। टुन्नू के जन्मदिन से बिना खाना खाए गोरखलाल जी घर लौट चुके थे। ड्राइंग रूम में पड़ा सोफा उनके बैठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन गोरखलाल जी कमर के पीछे हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए ड्राइंग रूम में आगे पीछे घूम रहे थे। गोरखलाल जी की इतनी बड़ी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। आप भी सोचिए ना, एक इंसान जो बेइज्जती करने के इरादे से किसी के घर गया हो, बेइज्जती करने की पूरी कोशिश की हो और दूसरे इंसान ने जरा भी बेइज्जती महसूस ही ना की हो, अरे तो बेइज्जती की बेइज्जती हो गई। नहीं, अपनी बेइज्जती की यूं बेइज्जती होती देख के गोरखलाल जी खुद को बड़ा बेइज्जत महसूस कर रहे थे। हालांकि गोरखलाल और टुन्नू के पिता सुभाष सिंह दोस्त थे, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप अपनों की कही कोई छोटी सी बात दिल से लगा बैठते हो। बेचारे टुन्नू ने तो अपनी अकल के हिसाब से गोरखलाल जी से मजाक किया था, लेकिन गोरखलाल जी ने उसको सीरियसली ले लिया था। गोरखलाल जी अपनी हार का अफसोस मना ही रहे थे कि पीछे से उनकी पत्नी बोली, आप वो पेन बस स्टैंड से खरीद के लाए थे ना। ये सुनते ही गोरखलाल जी भड़क उठे और पत्नी पर चिल्लाने लगे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मैं मानता हूं कि वो पेन $20 का नहीं था, लेकिन था अमेरिका का ही।
घबराते हुए गोरखलाल जी की पत्नी बोली, आपका पेन देख के टुन्नू के दोस्त कह रहे थे कि ये तो मेड इन चाइना पेन है। याद शहर के बस स्टैंड पे ऐसे पेन 20 रुपए में 3 मिलते हैं। गोरखलाल जी को लगा कि सुनियोजित तरीके से उनपे बेइज्जती की बमबारी हो रही है। अब तो उनमें बदला लेने की भावना और बढ़ गई थी। पहली बात का बदला अभी हुआ नहीं था कि गोरखलाल जी के अमेरिकन पेन को चाइनीज पेन बता दिया गया था। अब तो आते जाते गोरखलाल जी बदला लेने के नए नए उपाय सोचते रहते। बीच में उनके दिमाग में आया कि टुन्नू और सुभाष सिंह से जाके अपना अमेरिकन पेन वापस मांग ले, क्योंकि जिस मकसद के लिए उसको लाया गया था वो तो उसने पूरा नहीं किया। अरे कह देंगे गलती से दे दिया था, वो तो किसी और के लिए लाए थे। लेकिन फिर गोरखलाल जी ने सोचा कि तोहफा वापस मांगना कोई समझदारी का काम तो है नहीं, और फिर इसमें दोबारा होने की बेइज्जती होनी थी। तोहफा तो वापस मिल जाएगा, ताने कौन सहेगा। यूं ही सोचते विचारते अंदर ही अंदर कुड़ते गोरखलाल जी का वक्त बीतता गया। ऑफिस में भी उनका मन लगना कम हो गया था, क्योंकि अब तक वो किसी को समझा नहीं पाए थे कि अमेरिका में उन्होंने ट्रेनिंग क्या की। ऐसे ही एक दिन समय बर्बाद करने के इरादे से वो कंपनी में चहलकदमी कर ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर कंपनी के नोटिस बोर्ड पे पड़ी। नोटिस बोर्ड पे लगे एक पर्चे को देख के उनकी आंखों में 24 कैरेट की चमक आ गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उसी शाम गोरखलाल ने सुभाष सिंह को फोन लगाया और पूछा कि टुन्नू क्या कर रहा है आजकल। टुन्नू तो बस फॉर्म भरता रहता है यार गोरखलाल। गोरखलाल जी इसी मौके की तलाश में थे, तुरंत बोल पड़े, मेरी कंपनी में काम करेगा, उसके लायक नौकरी है, और नौकरी के साथ साथ भरता रहेगा फॉर्म, और सुभाष मैं तो हुई वहां टुन्नू का ध्यान रखने के लिए। सुभाष सिंह जी को आइडिया जम गया, लेकिन टुन्नू को समझाना खाला जी का घर था। टुन्नू को आंकड़ों के साथ समझाया गया कि चप्पल उद्योग से जुड़ने से उसको क्या फायदा होगा। पहले सुभाष सिंह जी ने समझाया, फिर टुन्नू की माता जी ने, फिर सुभाष सिंह जी ने समझाया, फिर उसके बाद फिर से माता जी ने समझाया, फिर माता जी काफी देर तक समझाती रहीं, और अंत में वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टुन्नू मान गया और उसने गोरखलाल जी की चप्पल वाली कंपनी ज्वाइन कर ली। अब टुन्नू गोरखलाल जी का जूनियर बन गया था। गोरखलाल जी ये सब देख के बड़े खुश थे, क्योंकि जूनियर के साथ तो कभी भी कैसा भी सुलूक किया जा सकता था। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा गोरखलाल जी ने सोचा था। लेकिन एक दिन अचानक वो शाम को घर पे गुस्से में लौटे। जब काफी देर तक उनकी पत्नी ने गुस्से की वजह नहीं पूछी तो वो खुद ही गुस्से में बोल पड़े, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं गुस्से में हूं, पूछो कि नहीं क्यों मैं गुस्से में हूं। पत्नी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना कहने लगे, जानती हो आज कंपनी में क्या हुआ। बड़े साहब ने टुन्नू को अपने कमरे में बुलाया। टुन्नू खड़ा था, साहब बैठे थे, फिर साहब खड़े हो गए, टुन्नू बैठ गया, फिर साहब 5 मिनट तक बोलते रहे और टुन्नू सुनता रहा, फिर 5 मिनट बाद अंदर चाय बिस्कुट गए और थोड़ी देर में साहब और टुन्नू दोनों खड़े हो गए। तुम विश्वास नहीं करोगी, साहब का हाथ टुन्नू के कंधे पे था। फिर साहब और टुन्नू केबिन से बाहर आए और बाहर आके साहब ने कहा, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि टुन्नू बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का है, इसने हमको ऐसे उपाय बताए हैं जिससे कंपनी को और मुनाफा होगा। मैं गोरखलाल जी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इसको हमारी कंपनी में लगवाया। वो टुन्नू इतना अकलमंद निकला? गोरखलाल जी की पत्नी ने हैरानी से पूछा। अरे सिर्फ अकलमंद ही नहीं, चालाक भी निकला। अगले महीने अमेरिका भेज रही कंपनी उसको, और वहां से आके उसको प्रमोशन भी मिल जाएगी। गोरखलाल जी सब बता ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने टुन्नू खड़ा था। अपने खिलाफ हो रही बातों से अनजान टुन्नू जोश के साथ बोला, अंकल जी सामान बांधना शुरू कर लीजिए, अगले महीने हम दोनों अमेरिका चल रहे हैं। गोरखलाल जी हैरान हो गए। अंकल जी कंपनी अमेरिका भेज रही, तो मैंने तो बॉस से कह दिया कि सर मुझसे अकेला नहीं होगा, साथ में गोरख अंकल को भी भेजो, बड़े हैं एक्सपीरियंस्ड हैं। आपका नाम सुन के पहले तो उनका मुंह बन गया था, पर फिर मैंने उनको पटा लिया। आत्मग्लानि से भर चुके गोरखलाल जी निशब्द थे और सामने टुन्नू नौकरी के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। गोरखलाल जी आगे बढ़े और टुन्नू को गले लगा लिया और आहिस्ता से कान में बोले, आई एम सॉरी टुन्नू। किस बात की सॉरी अंकल, टुन्नू ने पूछा। गोरखलाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया और बोले, सुभाष सिंह घर पे है? टुन्नू ने हाँ में सर हिलाया। गोरखलाल जी ने चप्पल पहनी और बोले, चल यार अपने घर, बहुत दिन हो गए सुभाष सिंह के साथ चाय नहीं पी। बस इतनी सी थी कहानी।